रूल है लोगों को मजा कराओ जीना मत सिखाओ चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल सजन सोड़े तेरे हाथ से निगाहों दे आसे पासे नहीं लड़ना किसे आखे न जावे दिल मेरा लेके एक पल भी जाना एक पल भी जाना यार नबील ये सुबह सुबह तुमने रोने वाला मुंह क्यों बनाया हुआ या तुम्हारा मुंह है ही ऐसा यार महमूद साहब कितने पत्थर दिल हैं आप मुंह तो आपका पहले ही पत्थर का था अब दिल भी पत्थर का हो गया है यार सोना नहीं याद आता आपको अरे नहीं नबील सोना इतना महंगा हो गया यार मैं तो सोच भी नहीं सकता और वैसे भी ना सोना पहनना मर्दों के लिए हराम है तौबा तौबा ओ यवलिया ना मारे मैं आपके बेटे सोने की बात कर रहा हूँ अरे अपने बेटे को मैं कैसे भूल सकता हूँ नबील वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है जी जी इसीलिए आपने अपने दिल के टुकड़े को बोर्डिंग फेंका हुआ है इस्लामाबाद वो भी इतनी दूर अरे तुम्हारी बेटी चांदी भी तो वहाँ है वो तुम्हें याद नहीं आती चांदी के लिए तो मैं आधी रात को उठ उठ के पहले तरबूज खाता हूँ और फिर रोता हूँ ये जो खूबसूरत है जालिम औरत इसने मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया है अरे इसीलिए कि वो एक काहिल तरीन औरत है वो बच्ची को संभालना ही नहीं चाहती तो महमूद साहब आपकी बीवी तो बड़ी मेहनत कश है उसने भी तो अपनी जान छुड़वाई ना अपने बच्चे से अरे मेरी बीवी तुम्हारी माँ है नबील कुछ तो ख्याल करो और मैं एक बाप हूँ जिसका दिल अपनी बच्ची को याद करके खून के आंसू रोता है वो जो खून के आंसू रोता है वो तुम्हारा दिल है हाँ जी अच्छा जी ठीक है बहुत हो गया मैं जा रहा हूँ खूबसूरत से बात करने मैं अपनी बच्ची के बगैर एक मिनट नहीं रह सकता तो फिर ठीक है नबील मैं भी जाके मोमो से बात करता हूँ कि सोने को वापस बुलाए आओ मेरे नाल चलो फिर जानू मैंने फैसला कर लिया क्या नौकरी करके पैसे कमाने का जानू बिजनेसमैन नौकरी नहीं किया करते बिजनेसमैन बिजनेस तो करते हैं ना तुमसे तो वो भी नहीं होता तो मैं क्या बता मैं दिल में कितने बिजनेस करता हूँ बताता नहीं हूँ किसी को मैं और सुनो बात इधर उधर ना करो मैं अपनी बेटी चांदी को वापस बुला रहा हूँ चांदी कौन सा सरहद पे जंग लड़ रही है नबील बोर्डिंग स्कूल में है सुकून से पढ़ने दो उसे नहीं जानू मैं अपनी बच्ची के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता अब मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ अब मैं तुम्हें तो बोर्डिंग स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा सकती ना नबील कैसे रहोगे उसके साथ मैं अपनी बच्ची को घर बुला कर रहूंगा और जब वो यहाँ रहती थी तुम कौन सा उसका ख्याल रखते थे अल्लाह माफ करे तुम तो वो शख्स हो जो अपनी बेटी की स्कूल की फीस खा जाते थे जानू उन पैसों से मैं घर में राशन लाता था अब मैं बच्ची को भूखा तो नहीं सुला सकता था स्कूल की फीस के साथ राशन के पैसे भी मेरे पापा ही देते थे नबील तुमने तो हमेशा फ्रॉड से पैसे चुराने की कोशिश की है लेकिन जानू मैंने कह दिया ना कि चांदी सिर्फ बोर्डिंग स्कूल में ही रहेगी खबरदार जो इस सिलसिले में एक और लफ्ज भी बोला क्या बात कर रहे हैं मसूद महमूद हाँ महमूद ये आप क्या बात कर रहे हैं सोना पढ़ाई कर रहा है वो नहीं आ सकता अरे क्यों नहीं आ सकता भाई मुझे उसकी याद आ रही है और रहने दें आपने कभी नहीं उसको याद किया मुझे अच्छी तरह याद है जब वो छोटा सा था ना छोटा सा काका उसके आपने कभी भी गिफ्ट हैम्पर नहीं बदले पैम्पर मोमो पैम्पर हाँ हाँ वही गिफ्ट पैम्पर नहीं बदले अरे तुम जैसे उसका बड़ा ख्याल रखती थी है? एक दफा मैंने तुम्हें कहा था कि उसे दस्त लगे हैं तो तुमने उसे दस्ताने पहना दिए थे हाँ तो उस दिन उसको सर्दी भी तो बड़ी लग रही थी जो भी था मैं हर हाल में सोने को वापस बुलाऊंगा सोना अपनी तलीम मुकम्मल करके आएगा ये मेरा आखिरी फैसला बस मोमो मोमो मेरी बात तो सुनो मोमो यार महमूद साहब कितनी साल है हमारी बीवी है यार कितना समझाया हमने इनको अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है यार और हम बाप होके दोनों कितना तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए वे सोने का फोन अच्छा महमूद साहब इसको फौरन भेज दें और चेक करें आजकल रेट क्या चल रहा है सोने का अरे तुम्हारे भाई सोने का फोन है वो तो उठाए ना यार महमूद साहब ड्रैग क्यों कर रहे हैं हेलो हाँ बेटे सोने कैसे हो तुम ख्याल आ गया फोन उठाने का
अच्छा अब गौर से सुने, मैं और चांदी कराची आ रहे हैं। क्या? बहुत टाइम हो गया है घर आए हुए। मेरे क्लास फेलोज तो कहते हैं पता करो तुम्हारे माँ बाप जिंदा है या मर गए हैं। अरे लेकिन हम तो खुद तुम्हारे स्कूल आने वाले थे बेटा। क्या हुआ मेहमू साहब? अरे सोना और चांदी कराची आ रहे हैं। अच्छा कब? ओ नहीं मेहमू साहब, मुझे आपकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। हमने टिकट ले लिए और हम एयरपोर्ट पे पहुँच रहे हैं। और हाँ, हमारे साथ एक गेस्ट भी कराची आ रहा है। गेस्ट? ओ यार मेहमू साहब मेरी बात कराए ना यार, पकड़ाए। हेलो सोने मेरे प्यारे भाई, हम बड़ा याद कर रहे थे तुम्हें। पापा मैं चांदी बात कर रही हूँ, और जो हमारा प्रोग्राम है वो कोई चेंज नहीं होगा। चांदी बेटा हम तो खुद सोच रहे थे तुम्हारी तरफ आने का, और अगर इस तरह तुम स्कूल से आ गई बेटा तो स्कूल वाले क्या सोचेंगे? स्कूल वाले सिर्फ अपनी फीस का सोचते हैं जो उनको मिलती नहीं है। बेटा ये तो बताओ तुम्हारे साथ गेस्ट कौन आ रहा है? ओके बाबा बाय बाय खुदा हाफिज़। हेलो हेलो चांदी, चांदी बेटा क्या हुआ, फोन बंद कर दिया? यार महमूद साहब हमारी बीवियां ये समझेंगी कि हमने बच्चों को फोन करके बुलाया है। यार नबील वैसे हम कितने घटिया है यार, अभी थोड़ी देर पहले हम उनको याद कर रहे थे और अब अगर उन्होंने आने का कहा है तो हम देखो अफसोस कर रहे हैं। आए महमूद साहब ये अफसोस चल कर रहा, अपनी बीवियों में भी तकसीम करते हैं। वो जो अंदर जाकर अपनी बीवियों में तकसीम करना है वो अफसोस है। हाँ जी आओ जी, ये पकड़े अपना फजूल सा फोन। जमरद खूबसूरत माँ जी। थैंक यू वो तो मैं हूँ, पर ये जो अंडे तू फेंट रही है ना इसको इतनी तेजी फेंटी जा इसमें झाग आ जाए, और अगर झाग ना आए ना तो वॉशिंग पाउडर की चुटकी डाल देना। मोमो वो आ रहे हैं। कौन? मेरे ससुराल वाले? ये बच्चे आ रहे हैं। किसके बच्चे आ रहे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ओ माँ जी हमारे बच्चे आ रहे हैं यार। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हैं हमारे घर नए मेहमान आने वाले, हम दोनों फिर से माँ बनने वाले। माँ जी मोमो सोना और चांदी कराची आ रहे हैं यार। नबील मेरे मना करने के बाद भी तुमने उन्हें फोन करके बुला लिया है। जानो अल्लाह की कसम मैंने उन्हें फोन नहीं किया, महमूद साहब से पूछ लो, उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं कराची। अब वो कमरे के अंदर सोएंगे और हम बाहर। इस बार तो वो हमें घर से ही निकाल देंगे, देख लेना। जानो ये तो सही है कि मैं मिस कर रहा था उसे, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि अगर तुम चांदी को समझाओ कि वो वहां रुके और हम वहां चले जाएं तो देखो दोनों काम हो सकते हैं। जानो बड़ा अरसा हो गया मैं मरी भी नहीं गई, देखे ना मैं कब से मरी जाने के लिए मरी जा रही हूँ। तो खूबसूरत इससे पहले कि वो कराची आ जाए प्लीज उन्हें रोक लो, जल्दी करो। हाँ हाँ महमूद साहब आओ। हेलो हाँ जी हॉस्टल जी मैं खूबसूरत बोल रही हूँ, चांदी की मॉम, चांदी से बात करा दे। और सोना क्या चले गए? आप लोगों ने उनको अकेले जाने दिया? गेस्ट आते हैं? कौन गेस्ट? हेलो हेलो यार वो तो कह रहे हैं कि वो लोग निकल गए हैं और गेस्ट भी साथ हैं। ये गेस्ट कौन है? पता नहीं शायद कोई दोस्त हो उनके। लो भाई इसका मतलब ये है कि उनके कराची पहुंचने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर उनके साथ उसके दोस्त भी कोई आ रहा है ना तो उसके साथ तो मिलकर और शरारतें करेंगे वो। मोमो मोमो मेरे लिए 5-6 पराठे बना लो, तुम्हें पता है टेंशन में ना मुझे बड़ी शरीर भूख लग जाती है। माँ जी और पराठ कौन है तुम? माँ जी मैं सोना हूँ। और सोना दुकानों में होता है, घरों के दरवाजे पे घंटियाँ नहीं मारता है। दादी मैं चांदी हूँ। लो जी पूरी की पूरी ज्वेलरी शॉप मेरे दरवाजे पे उठ के आ गई है। ये आपके बच्चे नहीं है? चुप है ना, तेरे बच्चे मेरे बच्चे कैसे हो सकते? अब ये तुम लोगों ने मांगने के नए तरीके बना लिए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं, मासूम बच्चों को आगे करके ना तो भीख मंगवाते हो, लोगों को तरस दिलवाते हो उनपे। हाँ लेकिन मैं भी बड़ी संगदिल हूँ, तेरे चौंसे में नहीं आऊंगी मैं। हाँ सोना चांदी टीचर छोड़े, माँ जी को तो भूलने की बीमारी है, ये तो अपने शोहर को भी भूल जाती है। टीचर इनकी बातों का बुरा ना माने, हम तो यूज्ड टू हैं। मैं कोई नहीं भूली भूली, मुझे याद है पिछली दफा तुम लोग आए थे ना तो मुझे बेवकूफ बना के पूरे 100 रुपये लूट के लेके गए थे मुझसे। माँ जी वो देखे चिड़िया चिड़िया। मैं भी कहूँ चिड़िया क्यों भौंक रही है सुबह से। ओए किधर मर गए हो तुम लोग? मेहमू साहब। अरे सोना चांदी, चांदी।
दादी। मेरा बेटा। मेरी बेटी। साहब ये हमारी टीचर है मिस फरा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये टीचर नहीं है, ये टीचर नहीं है, इधर हटो हटो। ये है भीख मांगने वाली, छोटे छोटे बच्चों को ना सामने लाके तो भीख मंगवाती है। हैं। माँ जी हमारे बच्चों की टीचर है मिस फरा। बाहर तो कह रही थी ये बच्चे यतीम है तो ये इसकी माँ है। मैंने ये कब कहा? अरे मोमो तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये मेरी मिसेज है। मेरा मतलब है ये मिस है। देखें हम बहुत माजरत चाहते हैं आपसे, माँ जी को ना एक्चुअली भूलने की आदत है। कोई बात नहीं, मुझे सोने ने बता दिया था। सोना चांदी आप लोग बाहर जाके खेले, मुझे आपके पेरेंट्स से जरूरी बात करनी है। ऐसे कैसे बाहर भेज रही है तू बच्चों को, वीजे तो लगवाए नहीं तूने? इनका मतलब है कि अभी तो आए हैं बच्चे, कुछ खाना वाना नहीं खाया ना इन्होंने? नहीं नहीं फ्लाइट में इन्होंने अच्छा खासा खाया है। सोना चांदी बाहर जाए। आप बैठिए ना। प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए। आप देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों के बच्चों की फीस कभी टाइम पे नहीं आती। देखिए हम बहुत माजरत चाहते हैं इस चीज की। एक्चुअली वो होता ही है कि वो जो अब हमारे किराएदार है ना, वो हमें किराया बहुत लेट देते हैं और वो रहते भी लाहौर में, हम कुछ कर नहीं पाते। चले ठीक है, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों के बच्चे बहुत बदतमीज हैं, बहुत मिसबिहेव करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं। आपको पता है आपके बच्चों की वजह से दूसरों के बच्चों की ना लैंग्वेज खराब हो रही है। जानू मुझे याद पड़ रहा है जब हमने ने स्कूल भेजा था, यकीन करें उस वक्त तो बहुत तमीजदार थे। बिल्कुल ठीक कहा है नबील ने। अरे घर आकर ये हमारे नाक में दम कर देते हैं। सारा कुछ तो स्कूल से सीख कर आते हैं, आप लोग इन्हें क्या गालियां सिखा कर भेजते हैं? आप एक मिनट माँ जी मैं बात करती हूँ। देखिए आप खुद सोचें, कौन से पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे बदतमीजी से बात करें? बिल्कुल सही, और यही बात तो मैं मालूम करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे 2-4 दिन रहूंगी और देखूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया, स्कूल की तरफ से कोई कोताही है या फिर आप लोगों की तरफ से मसला है। आप सर आंखों पे रहे, मतलब तेरे सर आंखों के लिए भारी नहीं है। माँ जी मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल आप आराम से रहे, आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बैठे हम आपके लिए चाय लेके आते हैं, आप लोग मेरे साथ आए। आइए प्लीज आइए 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 तशरीफ लाइए। नबील तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो भाई? वैसे एक बात है, टीचर है बड़ी आला, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उसे ना ट्यूशन रखवा लूं। ओ यार महमूद साहब कभी तो अपने ठरक को कंट्रोल किया करें यार। अरे ये ठरक नहीं है यार नबील, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से शकील उस टीचर को ना कत्ल का प्लान बना के बैठे हुए। ओ माँ जी खुदा के लिए यार ऐसे लफ्ज मुंह से मत निकाले यार, कैसी बातें कर रही है आप? ना पुत्र मैंने मुंह से तो कुछ नहीं बोलना, बस किचन से ना चाकू हाथ में पकड़ के पीछे छुपा लेना, तो जैसे वो सामने आए। अरे मोमो वो हमारे बच्चों की टीचर है, उसे मारना नहीं है प्यार देना है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ यार, मैं वो सब गड़े हो यार। और तो मैं जाके उसके सर में ना तेल डालती हूँ, ऐसी चंपी करूंगी ना कि याद करेगी वो। हाँ जी स्टॉप इट। नबील तुम बच्चों को जाकर समझाओ कि टीचर उनकी कंप्लेन लेकर आई है और यहाँ रहकर उन्हें ऑब्जर्व करेगी, समझाओ उन्हें जाके। हाँ। ओ जानू यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को यार। क्या खराब कोशिश कर रहे हो, बोल तो रहे नहीं तुम। बार बार मुझे ही बोलना पड़ रहा है, मैं उस टीचर के हाथ पाँव दबा के आती हूँ फिर। ओ माँ जी आपको अल्लाह का वास्ता, हाथ पाँव नहीं दबाने उसके यार। तो फिर गला दबाना है? जोकी जोकी पता है ना मैं जोकी करती हूँ बहुत। हम सबको उसके साथ तमीज के साथ पेश आना है। ना ये तमीज कौन है? ओ माँ जी हमारा मतलब है कि हम सब ने उसके सामने बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को पेश करना है। ठीक है फिर उसके साथ मैं फर अंग्रेजी में बात करूंगी। माँ जी आपने सिर्फ उसके सामने एक काम करना है। वो क्या? आपने उसके सामने मुँह नहीं खोलना, और जानू तुम्हें भी बंद करना पड़ेगा शरत कहना मुझे। और नबील तुम्हें भी मेरी इज्जत करनी पड़ेगी जैसे बाप की जाती है। वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे बाप नहीं है। ड्रामा कर रहे इतने सालों से क्या कर रहे तू? देखिए कुछ भी हो जाए महमूद साहब, कुछ भी हो जाए हम सबको बड़ी तमीज तहजीब से पेश आ रहे हैं उस औरत के साथ, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। ये मुस्तकबिल कौन है? ये ले प्लीज, आपने बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना। ये हॉट हॉट चाय। माँ जी ना दिल की बहुत अच्छी हैं, हमें हंसाती रहती हैं और उससे ज्यादा रुलाती हैं। आप इस सोफे पे कंफर्टेबल तो है ना, वरना मैं कुछ 2-4 कुशन ला दूँ आपको। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप कुछ लीजिए ना। ये केक मेरे शोहर बाजार से बकल्लम में खुद चोरी करके लाए हैं। नहीं
लाए हैं। मैंने आपसे कहा था ना, माँ जी को हंसाने की बड़ी आदत है। मैं अपने हाथों से प्लेट बनाकर दूं आपको। नबील तुम पागल हो, अपने हाथ से प्लेट कैसे बनाओगे भाई? चुप है, ये प्लेटें बनाते नहीं है, ये बाजार में मिलती है। जाओ शाबाश, भाग के बाजार से लेकर आओ प्लेटें। अरे आप इनको छोड़िए, आप प्लीज कुछ लीजिए ना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चले मेहमू साहब, मुझे कुछ काम है आपसे। भाई नाश्ते से बड़ा क्या काम होता है, रुको ना, अब मुझे इनको जरा कंपनी देने दो। मैं हूँ ना इधर कंपनी देने के लिए। मेहमू साहब, मिस फरा आई हुई है, इनके लिए लंच का इंतजाम भी तो करना है ना। वो जो हमने इंतजाम करना है वो लंच का है। हाँ जी। अच्छा जी। हमें थोड़ा सा वक्त, जरा इजाजत दीजिए, अभी हाजिर होते हैं। अभी आइए मेहमू साहब। मेहमू साहब आप तशरीफ लेके जाइए। अभी आप तशरीफ लेके जाइए। तशरीफ ले जाए। आप केक खाइए ना प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा केक है, तो आप लोग खाएं तो मतलब चेरी भी है। सोना, मुझे लगता है हम इस घर में हमेशा के लिए वापस आ गए हैं। क्योंकि हमारे घर वालों ने टीचर को बता देना है कि हम सब कुछ वही करते हैं जो हमारे घर वाले करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हॉस्टल से जान छुटी। और अगर नहीं भी छुटी, मैं स्कूल में पहले से ज्यादा मिसबिहेव करूंगा। क्यों टीचर, अब पता चला मैं इतने बदतमीज क्यों है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके पेरेंट्स कितने शरीफ लोग हैं, खुद इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आप लोगों को पढ़वा रहे हैं, और आप लोग कहते हैं कि आप बदतमीजी उनसे सीख रहे हैं। शेम ऑन यू। टीचर को क्या हो गया है? आई 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 आइए। अभी तो मैंने चाय पी थी, केक खाया था, आप लोगों ने लंच का बंदोबस्त भी कर लिया। अब ये तो महमूद साहब और नबील ने किया है। हमारे घर के जो मर्द है ना, उनको औरतों का बहुत ख्याल, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं औरतों। और मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पांव भी दबाते हैं, और ये जो मेरी बहू है ना, ये तो अपने कपड़े भी अपने मियां से धुलवाती है। नहीं माँ जी, मैं आपके कपड़े धोती हूँ। खैर आप आराम से बैठ के हमारे घर का खाना खाएं, बाहर का खाना तो आप भूल जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम तो बाहर का खाना भूल ही चुके हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते। वैसे आप बातें बहुत मजे की करती हैं। हाँ, लेकिन खाना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बनाते हैं। देखिए आपने ना बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं करना। और जरा सा भी तकल्लुफ किया ना तो मसऊद ने ये सारी टेबल साफ कर देनी है। वैसे इतनी सारी प्लेटें क्यों? वो एक्चुअली हमारे घर में ना एक रिवाज है, हम एक प्लेट एक नवाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो इसलिए कि हम दूसरा निवाला जो है ना जूठी प्लेट में नहीं खाते। लेकिन हम पिछले 450 एपिसोड से ना एक ही जुबान से झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन ये इतने सारे चमचे क्यों? एक खट्टे के लिए और एक मीठे के लिए। एक्चुअली हम खट्टा मीठा तीखा हर चीज जो है ना वो अलग अलग चम्मच से खाते हैं, मिक्स नहीं करते चम्मच आपस में। लेकिन मार ये सिर्फ बड़े वाले चमचे से खाते हैं क्या? आप लीजिए ना कुछ प्लीज। वैसे मैं आप लोगों के अखलाक से बहुत मुतासर हुई हूँ। ओए, अखलाक हमारा नहीं, बराबर वालों का नौकर है। कभी कभी ना मैं उससे छुप के सिगरेट पी लेती हूँ, तो उसको कैसे जानती है? आज तो तुम बहुत ही ज्यादा हंसा रही हो। या तो हमारे घर वाले जरूरत से ज्यादा चलाक है, या तो हमारी टीचर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ। अब तो हमें स्कूल जाना ही पड़ेगा और बहुत सख्ती होगी। सोने चांदी, सोने, ये तुम्हारी टीचर क्या बता रही है कि तुम स्कूल में बदतमीजी करते हो और गुफ्तगू में तू तड़ाक इस्तेमाल करते हो। पापा, मैंने शट अप बोलना आप लोगों से ही तो सीखा है। मैं मुसाब, सारी फजूल बातें तो मैंने आपसे सीखी है, और छुपे कहना माजी से सीखा है। नबील देखो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इन दोनों की। अरे ये भी तो आपसे सीखा है मेहमू साहब। अगर तुम लोगों ने अपना बिहेवियर ठीक नहीं किया तो आप हमें हॉस्टल से घर बुलवा लेंगे ना? और यही तो हम चाहते हैं। तुम्हारी टीचर ने देख लिया है कि हम लोग कितने तमीजदार हैं और मेहमान नवाज भी। अब तुम लोग हॉस्टल में जाकर शराफत से रहोगे और वहाँ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। चलो तुम दोनों चलो अंदर जाओ और किसी कोने में बैठ के पढ़ो। चलो चलो जाओ अंदर, वरना हम बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे तुम पे। चलो यार नबील, बच्चों को तो हमने डांट डपट के काबू कर लिया है, टीचर का क्या करेंगे? महमूद साहब, उसके लिए मेरे पास एक खुफिया प्लान है। वो क्या खुफिया, मैं आपको क्यों बताऊं? कान लाए। आइए आप इस कमरे में आराम से बैठ के ना चिल करें। थैंक यू सो वेरी मच।
आपने आराम करने के लिए मुझे अपना रूम दिया। आप हमारे बच्चों के टीचर हैं, वी शुड रिस्पेक्ट यू। मुझे यकीन हो गया कि स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे सोना चांदी गलत बातें सीखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में तो कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करता, नामुमकिन। अच्छा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे आवाज देते हैं। ओए, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बहू के कमरे में तू आराम नहीं कर सकती। लेकिन मुझे तो खूबसूरत खुद यहाँ छोड़ के गई है। ओए, बड़ी चलाक है, तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनना चाहती है वो। आपको क्या एतराज अगर मैं यहाँ रुक रही हूँ तो? ओए, एतराज ये है कि मेरा कमरा ज्यादा बड़ा है, तुझे मेरे कमरे में रुकना चाहिए है। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, मगर मैं यहाँ ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तुझे इस कटिया कमरे में नहीं रुकने दूंगी। चल मेरे कमरे में, उठा अपना लगेज, उठा बैग, आ जा, ये भी तेरा है, उठा ले, आ जा। ये देख कितना बड़ा कमरा है, आलीशान। कहे तो आप ठीक रही हैं, कमरा तो वाकई बहुत बड़ा है। और एसी भी लगा है। जी, पर चलता नहीं है। जी, बेवकूफ, ये कैसे चलेगा, इसके पैर नहीं है ना। चल तू इसे ऑन कर सकती है, बिजली के बिल की परवाह ना करना, वो खूबसूरत का प्याओ देगा। लेकिन वो क्यों? और वो नहीं भरेगा तो और कौन भरेगा, उसका फर्ज है, है? चल तू आराम कर। और सुन शहजादी ढुसका, मैंने ना बिस्किट खा के ना टिशू में आधा लपेट के दराज में रख दिया था, तेरा दिल करे ना तू खा लेना। और हाँ, मसूद को ना पता चले ये ना खाने की चीजें चोरी करता, फिर तो जमीन से भी उठा के खा लेता, तू खा लेना। ये लीजिए गरम गरम चाय। चाय और इस वक्त? देखिए, चाय और मौत का तो कोई वक्त होता ही नहीं है। मैं जब उस कमरे में गया तो मुझे पता चला कि माँ जी आपको इस कमरे में ले आई हैं, तो मैं चाय लेके यहाँ आया। चाय ले लीजिए प्लीज। लेकिन मैं, ये बिल्कुल असली डब्बे के दूध की चाय है। ये चाय नहीं पिएंगी। क्यों महमूद साहब, अगर ये नहीं पिएंगी तो मैं ये गर्म चाय आपकी तोंद पे गिरा दूंगा। जो मर्जी करो, लेकिन चाय पी लेंगी तो इनको नींद नहीं आएगी भाई। तो क्या पिएंगी ये? ये जूस पिएंगी। क्यों, क्यों, उन्होंने खून दिया है अभी अभी? अरे मैंने अपने हाथों से बनाया भाई। आप तो हाथ ही नहीं धोते यार, ये जूस नहीं पिएंगी। अरे ये जूस पिएंगी तो इनके कलेजे में ठंड पड़ेगी। जो इनके कलेजे में पड़ेगी वो ठंड होगी। हाँ जी। ओ बस कर दे, ठंड की आपको जरूरत है बुजुर्गो? आप ये जूस पिएंगी, आपको सोने की कसम है। आप ये चाय पिएंगी, आपको चांदी की कसम है। आप ये जूस नहीं पिएंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। और अगर आप ये चाय नहीं पिएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये जूस पिएंगी। देखे, मैं अब कुछ नहीं खा पी सकती, प्लीज मैं जाना चाहती हूँ। दे, देखिए मैं आपको पैक करा देता हूँ। आप मेरी बात तो सुने। मेरी बात सुने, आप मेरे भी बात सुने। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को खुदा हाफिज करने आ रही हूँ। नहीं, अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? किचन में पानी पीने जा रही होगी, शर्म तो तुझे आती नहीं है ना। घर आए मेहमान को पानी का भी नहीं पूछना, जा जाके भरी हुई बोतल ला के दे उसको। नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं पीना ना। तो मैं करेले का शेक बनाने जा रही हूँ, वो पी लो, बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता चल गया कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं जाके ना प्रिंसिपल साहब को बता दूंगी कि पेरेंट्स की तरफ से कोई मसला नहीं है। आप इस तरह चली जाएंगी, हमें बहुत बुरा लगेगा। ना, इसको पकड़ ले, जाने लगे तो बांध देना इसको। आप प्लीज रुक जाए ना, देखिए माँ जी इतने प्यार से कह रही हैं। हाँ रुक जा, क्योंकि हमने तुझे जाने नहीं देना। सोना, यहाँ पे तो सब कुछ उलट हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता भी नहीं है कि हमारा घर है, हमारे घर वाले ऐसे शरीफ कैसे हो गए? अब तो लगता है हमें स्कूल वापस ही जाना पड़ेगा। सारी मेहनत जाया हो गई हमारी। सोचो हमने कितनी शरारतें की हैं स्कूल में। मैंने तो दोस्तों से फेयरवेल भी ले ली थी। अल्लाह ऐसे चालाक माँ बाप किसी को ना दे। चलो चांदी, होमवर्क कर लेते हैं, वरना स्कूल पहुँच के टीचर और सख्ती करेगी। अरे मोमो, अरे पीछे पीछे होके बैठो ना। नहीं जी, मैंने आज रात के डिनर के लिए कराची के सबसे मशहूर और बड़े रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा ली है। समंदर के किनारे वाला, यहाँ मछली जिंदा पकड़ते हैं और आंखों समेत तल देते हैं। हाँ हाँ, वो बड़े वाला भाई, आखिर हमारे बच्चों की टीचर है, इतनी दूर से आई है, इज्जत अफजाई तो बनती है ना। जी जी बिल्कुल बनती है, बहुत ज्यादा बनती है। लेकिन नबील तो वापस जा रही है, हम कैसे इनकी खिदमत करेंगे? क्या
नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने इन्हें लेके जाना है चिड़ियाघर, वहाँ मुमताज बेगम दिखानी है इनको। और सी व्यू पे ऊंट भी तो बिठाना है ना पुत्र। अरे मैंने इन्हें ब्रंच रोड की निहारी भी तो खिलानी है। ओ भाई मैंने गोला गंडा खिलाना है, रबड़ी खिलानी है यार। देखिए ये सारे काम ना मैं अगली दफा आकर कर लूंगी, प्रॉमिस। मुझे वैसे भी ज्यादा आउटिंग का शौक नहीं है। नहीं अगली बार तो तेरा प्यो भी इधर नहीं आना। जी अब मतलब अगली बार जब आप आएंगी तो अपने फादर को भी साथ लेकर आइएगा। ओह जी जी श्योर व्हाई नॉट। अब मैं चलती हूँ। महमूद साहब आप रिस्पेक्टेड टीचर को एयरपोर्ट तक छोड़ के आए ना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं भैया, अभी तो मैंने रास्ते में इन्हें मुल्ला के छोले खिलाने हैं, रबड़ी खिलानी है, गोल गप्पे खिलाने हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी, आप लोग बहुत अच्छे। बैग प्लीज। अच्छा हाँ बैग, मैं वहाँ तक छोड़ा था वहाँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। जाने वाले मैं तेरे कुर्बान, खुदा हाफिज। ओ मेरे हसीब आप जी मेहमान, खुदा हाफिज। यस 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 यस। महमूद साहब चेक किया आपने मेरा ड्रामा कॉन्सेप्ट, आइडिया कैसा था? अबे रहने दो, निहायत ही घटिया आइडिया था तुम्हारा। अरे वो तो मेरी एक्टिंग की वजह से गई है, मैंने उसकी दवा की ऐसी लस्सी बनाई है कि वो गई। ओए पागलो, वो किसी की वजह से नहीं, मेरी वजह से भागी है, मैंने इतनी मेहनत की है इस पे है। और रहने दे माँ जी, आप तो सारा काम खराब करने वाली थी, भांडा फोड़ने वाली थी आप। चुप है। बस जानू टीचर थी बड़ी कयूट। शट अप नबील। ओके जानू। आप लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे, अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि सोना चांदी ने मुझे बता दिया कि मेरे पेरेंट्स ड्रामा कर रहे हैं, अब जाके इनके असली चेहरे देखें। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब संभाले अपने बच्चों को, मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल से कंप्लेन करने। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। अगर तुम्हें पता ना होता तो कहता ये नज़्म मैंने लिखी है। और किसके लिए लिखी होती? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी बले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई जाए जाए। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा।